हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के विषय विज्ञान के प्री बोर्ड सेकंड का संपूर्ण जो पेपर है आपका, वो यहाँ लेकर आ चुके हैं हम आपको। सब्जेक्ट्स जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट है साइंस का, उससे रिलेटेड पेपर है जिसमें आपका टाइम रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट और मैक्स टू मैक्स मार्क्स आपके रहेंगे 80। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। भाग ए का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, भाग बी का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, भाग सी का 3 अंक का और भाग डी का 4 अंक का है। सबसे पहले हम देखेंगे भाग ए। तो पूरे वीडियो में सही बिल्कुल केयरफुली जुड़े रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के हम आंसर देखने वाले हैं इसी वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका यहाँ पर, फर्स्ट का फर्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? आंसर हो जाएगा AgCl। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे एड्रीनलिन। थर्ड है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो लिखेंगे गॉइटर। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन, एंजाइम। लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो कहाँ पर होता है? निर्वात में। नेक्स्ट है, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन से 1 मीटर। उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन से करेक्ट, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है, यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम में अब होगा, तो यहाँ हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। प्लास्टिक, आयोडीन, सल्फर, ये सभी कुचालक हैं, सुचालक ओनली यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है, तो यहाँ हो जाएगा एमीटर से, ठीक है, धारा का मापन करता है एमीटर, वोल्टेज का मापन करता है वोल्टमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है, तो यहाँ हो जाएगा पराबैंगनी किरणों, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड है, रिक्त स्थान ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा सीधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है, तो यह हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के तंतु के निर्माण में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन, ठीक है, जो तंतु होते हैं अंदर आप बल्ब में देखते होंगे छोटे छोटे पतले पतले वायर रहते हैं, जो कि किसके बने रहते हैं? टंगस्टन का। थर्ड क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है, तो आपका जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ हो जाएगा CaHO4 2H2O। नेक्स्ट है, एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, तो यहाँ लिखेंगे SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा? यकृत। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH2। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? यहाँ हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा लेड या सजता या तथा टीन। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का एक एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा HCl व NaOH। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा फ्रियॉन, तरल गैस। नेक्स्ट है, गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो आंसर लिखेंगे 14 जनवरी 1986 में। एंजाइम क्या होते हैं? तो यहाँ आंसर इसका इधर देखेंगे हम, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित करने का कार्य करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, IUCN का पूरा नाम लिखिए जिसका हो जाएगा पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
अब है आपका भाग ब, जहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे CuO प्लस H2, तो यहाँ हो जाएगा Cu प्लस H2O। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों पारदर्शक माध्यमों के पृथक्करण तल में आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। सेकंड हो जाएगा प्रकाश के किसी दिए गए रंग के लिए तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल अपवर्तन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, एक संकर व द्विसंकर प्ररूप में लक्षण प्ररूप अनुपात लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, एक संकर लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 तथा जीनी रूप प्रारूप अनुपात हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है रहती है। सेकंड लिखेंगे, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना आसान है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं, अर्थात यह अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उदाहरण जिंक, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, उभय अभिसारी, अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, अभिसारी लेंस में लिखेंगे, ये बीच से उभरे हुए व किनारों पर से पतले होते हैं। अपसारी, अपसारी बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। अभिसारी लेंस आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को फोकसित तथा एक जगह इकट्ठा कर देता है। अपसारी लेंस आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को अपसारी अर्थात फैला देता है। और भी अंतर लिख सकते हैं आप अपनी पाठ्यपुस्तक से। 10th प्रश्न है, गोलीय दर्पणों और गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में दो अंतर बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह सापेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धित प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। 11th क्वेश्चन है, प्रकाश की परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ नियम लिखेंगे हम, परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। 12th प्रश्न है आपका, अमीटर एवं वोल्टमीटर में दो अंतर लिखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे, एमीटर, इसकी एमीटर की सहायता से विद्युत परिवर्तन प्रभावित होने वाली धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्टमीटर से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इससे से दो पॉइंट आपको लिखने थे। 13th प्रश्न है आपका, 100 वॉट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, 100 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलने पर, 30 दिन तक बल्ब जलने पर कुल उपभुक्त जो ऊर्जा है वो हो जाएगी 100 वॉट गुना 10 गुना 30, दिनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें आपका निकल जाएगा 30 किलो वॉट। इस प्रकार 30 दिन तक विद्युत खर्च हो जाएगा आपका, 30 किलो वॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 रुपये से, तो यहाँ हो जाएगा 120 रुपये। इस तरह से आप अपने खर्च जो है विद्युत खर्च को निकाल सकते हैं, ठीक है? 15th क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? समझाइए, सॉरी 14th क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में दो अंतर लिखो।
14 क्वेश्चन हमने देखा नहीं था, तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जबकि समांतर क्रम में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में हर एक घटक पर समान वोल्टता उपलब्ध होती है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम, विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसके लिए इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। ठीक है, अर्थात जब एक वाट शक्ति का उपयोग एक घंटे तक होता है तो उपयोग जो ली गई ऊर्जा होती है एक वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा होता है, ठीक है, जिससे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। यूनिट कहते हैं ना हम, एक यूनिट बन गई, दो यूनिट बन गई, ठीक है, तो एक जो किलो वाट घंटा होता है उसको ही बोलते हैं यूनिट। 16 क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे, वायुमंडल में ओजोन बाहर से आने वाली गैसों से विकसित होती है। जब ये गैस सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो प्रतिक्रिया के कारण ओजोन में बदल जाती है। उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से अभिक्रिया लिखी है, आप भी लिख सकते हैं। तो ये था पूरे 16 क्वेश्चन के आंसर, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए आपके भाग बे के, अब देखेंगे नेक्स्ट भाग से, जिसमें 17वां प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके अथवा में है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ आंसर देखेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिख लेना है अपने, Na2SO4Az BaCl2, ठीक है। तो यहाँ BaSO4S2NaCl हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया आपको इसी तरह से लिखनी है, बिल्कुल नामांकन करने के साथ साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब, तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है, या फिर मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, और रुधिर लसिका में अंतर बताना है। तो आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बता रखा है, जो मानव शरीर का जो रहता है डायग्राम पूरा नामांकित करने के साथ साथ पूरा विस्तारित रूप में बताया गया है मानव श्वसन तंत्र का। तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है एग्ज़ाम में, और इसी तरह से नामांकित करना है पूरा अच्छे से, ठीक है। और हम रुधिर और लसिका में अंतर देखेंगे। क्वेश्चन बी का जो आंसर है आपका, जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग रुधिर रस कुछ भौतिक रासायनिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका लिम्फ कहलाता है। यह वस्तु तो रुधिर ही है जिसमें केवल रुधिर कणों का अभाव रहता है, ठीक है। तो ये रुधिर और लसिका में ये अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब, तो इसके अथवा में है, मानव हृदय की संरचना नामक के चित्र करते हुए वर्णन करना है आपको, ये कर सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है आपका, मेंडल की द्विसंकर संकरण का आरेख बनाइए, प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात भी बताइए, या इसके अथवा में है समजात और समरूप अंक किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपकी मेडल का जो नियम है पूरा उसका नामांकित सहित, तो इसी तरह से आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और इस तरह से आपको वर्णन भी करना है, मेडल का स्वतंत्र अव्यय नियम भी कहते हैं, तो ये पूरे आपको परिभाषा भी लिखनी है इसी तरह से। अनुपात बताना है क्योंकि आपको पूछा गया है अनुपात बताने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम
20वां प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाकर कार्यप्रणाली समझाएं, विद्युत मोटर के दो उपयोग बताएं। या तो आप ये करें या फिर घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण व लघु पतन से होने वाले नुकसान को बताते हुए इनसे बचने के उपाय सुझाइए। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ विद्युत मोटर का प्रश्न। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत लिख देना है आपको। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद कुंडली लगकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है। यदि कुंडली में धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहे तो कुंडली भी एक दिशा में घूमती रहेगी। इस तथ्य का उपयोग विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। इसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहा जाता है। तो रचना आपको इस तरह से लिखनी है। रचना में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं? क्षेत्र, चुंबक, आर्मेचर, विभक्त प्ले, पृष्ठ। ठीक है, तो सभी का आपको इस तरह से वर्णन करते हुए जाना है और इस तरह से आपको इसका पूरा चित्र बनाना है नामांकन के साथ। ठीक है, विद्युत मोटर का जो सैद्धांतिक प्रदर्शन है वो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, सभी पार्ट्स के आपको इस तरह से वर्णन कर देने हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। इसके अथवा में जो आपको उपलब्ध है आप वो भी कर सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण व लघु पतन से होने वाले नुकसान को बताते हुए इनसे बचने के उपाय सुझाइए। चलिए अब देखेंगे भाग दे, जिसमें 21वां प्रश्न है आपका, पीएस स्केल किसे कहते हैं? इसे किसी विलयन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है समझाइए। अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाते हैं, इसके उपयोग क्या है? तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका आंसर है, पीएस स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन ओएच की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात वह विलयन क्षारीय होगा। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अवभारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उपयोग बता देना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या होता है? तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है इसमें। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर नहीं करना चाहते तो आप ये भी बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किसी किस प्रकार बनाते हैं और इसके उपयोग क्या क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप जो आगे डिस्क्रिप्शन है वो भी देख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका, ए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? और बी है वृद्धि निरोधक पदार्थ किसे कहते हैं? अथवा मनुष्य में बोनेपन का क्या कारण है? किन्हीं तीन पादप हार्मोन के नाम और प्रत्येक का एक एक कार्य बताएं। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं अटेम्प्ट करें क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पेपर हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो भी बनता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करें। आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा होता है आपका कंप्लीट पेपर, जिसमें आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। इसके अलावा हम और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर देखते रहेंगे। तो सभी प्रश्न आपको करने यहाँ पर अनिवार्य हैं और जिस तरह से डिस्कशन करना है आपको उसी तरह से करना है। सभी स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छे हो और आप पूर्णांक जो 80 मार्क्स से 80 में से 80 हासिल करें। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको किस तरह की हेल्प मिली है। अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेट और भी बनाते रहें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।